पीएम मोदी ने यूपी को बड़ी सौगात दी है। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पीएम आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी है। योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत प्रधानमंत्री मोदी ने की। 75 परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 7 शहरों में 75 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज देखिए 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी है और पीएम ने 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण आज यूपी में किया है। साथ ही देखिए ये भी पीएम की तरफ से कहा गया कि सरकार का जो आवास है उस पर महिलाओं का अधिकार होगा। तो न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, शुभारंभ किया गया और उन्होंने कहा कि आज हम लोगों को उनके घर सौंप रखे हैं। कई परिवारों की अब दिवाली इन नए घरों में मनेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो सरकार के दिए गए आवास है उन पर मालिकाना हक महिलाओं का होगा। इस मौके पर पीएम मोदी का आभार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया है। तो पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी और प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान 4,737 करोड़ की कुल 75 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी देखिए आज पहुंचे हैं लखनऊ दौरे पर और 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास का जो लाभ मिला है आज के दिन वो महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4,737 करोड़ की कुल 75 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का प्रधानमंत्री मोदी ने आज शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि यूपी में 75,000 परिवारों को पक्के मकान मिले हैं, 80% से ज्यादा घर महिलाओं के नाम पर हैं और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अब नए घरों में दीपावली मनाई जाएगी। अटल जी ने देश को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। शहरी विकास पर लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी लाने पर लगातार काम हो रहा है। पक्के मकान लोगों को सरकार की तरफ से दिए गए हैं। जो मकान सरकार की तरफ से अब दिए गए हैं, 80% मकानों को महिलाओं के नाम पर दिया गया है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। तो देखिए 4,737 करोड़ की कुल ये 75 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद से आज राज्य में 8 एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल है और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिल्कुल तैयार है और मैं समझता हूं उसका उद्घाटन भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अयोध्या में भी एयरपोर्ट बनाने के लिए जो कार्य करना है, जमीन लैंड एक्विजिशन, वो भी जोरों से हो रही है। और जेवर एयरपोर्ट को अगर मेंशन किया जाए तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा बड़ा ट्रांजिट हब बनेगा कि उत्तर प्रदेश की ही अर्बन कनेक्टिविटी नहीं पर देश भर की अर्बन कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में एक बहुत बूस्ट मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ ही एक दो वर्ष में लखनऊ और बाकी उत्तर प्रदेश के शहरों में हवाई अड्डे पे काम करने के लिए 2000 करोड़
की लगत की है। मैं मानता हूं कि लखनऊ में इस अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन इस शहर के साथ साथ भारत के सभी राइजिंग एंड अपकमिंग सिटीज की एक नई तस्वीर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अर्बनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की और खासतौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। आजादी के बाद एक सपना था आवास का, हर गरीब के पास अपना आवास हो, आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो, यह सपना आजादी के बाद 2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं।